हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं चारे वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल दैट इज बरसीम की बात जो है आज की क्लास के अंदर अपन करने वाले है। तो बरसीम जिसको अपन जो है इसका दूसरा नाम जो आपको पता हो तो अपन इसे इजिप्टियन क्लोवर के नाम से भी जानते हैं, इजिप्टियन क्लोवर के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं इसका वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम जो है ट्राइगोनेला ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम जो है इसका वानस्पतिक नाम है, जो बोटनिकल नेम है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम, यह आपको पता होना चाहिए। देन इसका कुल जो है लेग्यूमिनेसी कुल से यह संबंध रखती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसका उत्पत्ति स्थान जो है एशिया माइनर या इजिप्ट माना गया है। इजिप्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका नाम क्या है, इजिप्टियन क्लोवर भी है, तो इस नाम से आप याद रख सकते हो इसका उत्पत्ति स्थान इजिप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n = 16 होती है। तो इस स्लाइड में कौन कौन सा पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नंबर फर्स्ट वन इसका नाम इजिप्टियन क्लोवर भी है और इसका वानस्पतिक नाम जो है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम है और इसका कुल जो है लेग्यूमिनेसी है और इसका उत्पत्ति स्थान जो है इजिप्ट है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसके केस में आगे बढ़ते हैं कि इसे चारे वाली फसलों का राजा किंग ऑफ फॉडर क्रॉप्स, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चारे वाली फसलों का जो राजा जो है बरसीम को कहा गया है और रानी जो है रिचका को कहा गया है, जो आपको मालूम होना चाहिए। बरसीम में शुष्क पदार्थ की पाचनशीलता जो होती है, ड्राई मैटर की जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है वह 70% होती है और रिचका की अपेक्षा अधिक होती है डाइजेस्टिबिलिटी इसकी। देन इसमें प्रोटीन जो होता है 20 से 24% होता है और बरसीम इज आल्सो नोन एज द मिल्क एनरिचमेंट, अर्थात पशुओं का दुग्ध उत्पादन जो होता है वह बढ़ाने का काम जो है बरसीम के द्वारा किया जाता है, मिल्क इनरिचमेंट के रूप में भी इसे जाना जाता है। बरसीम को सन 1904 के अंदर फ्लेचर नाम का वैज्ञानिक जो है इजिप्ट अर्थात मिस्र से लाया था, इसलिए इसका नाम जो है इजिप्टियन क्लोवर पड़ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इजिप्टियन क्लोवर क्यों पड़ा, क्योंकि इसको इजिप्ट से लाया गया इसलिए इसका नाम जो है इजिप्टियन क्लोवर माना गया है, इजिप्ट यानी कि मिस्र से लाई गई थी। तो यहाँ पे इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए आ रहा है एग्जाम के हिसाब से, तो पहला तो यही है कि इसको अपन किंग ऑफ फॉडर क्रॉप्स कहते हैं, नंबर सेकंड है यह मिल्क एनरिचमेंट के रूप में यूज आता है और इसके बाद इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है पाचनशीलता जो 70% अपन मान रहे हैं ये आपकी रिचका की अपेक्षा अधिक होती है, यानी बरसीम की डाइजेस्टिबिलिटी या पाचनशीलता रिचका से ज्यादा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और यह इजिप्ट या मिस्र से लाई गई है और वही इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। देन बढ़ते हैं इसके किस्मों की ओर, तो इसकी किस्में दो प्रकार से है, पहला आता है डिप्लोइड या द्विगुणित किस्में, या इन किस्मों पर अपन कह सकते हैं कि पुराने जमाने या पुराने विश्व की या पुराने समय की किस्में, ओल्ड वेराइटीज इसको अपन कह सकते हैं, ओल्ड वेराइटीज होती है ये और इनमें इनका जो उत्पादन जो होता है, इनका जो प्रोडक्शन जो होता है इन किस्मों का वह कम होता है, लेकिन इनकी जो ड्यूरेशन जो होती है यानी इनकी कटाई की जो ड्यूरेशन जो होती है वह अधिक होती है, इनकी विशेषता ये होती है। इसमें कौन कौन सी वेराइटियाँ आती है, तो मस्कावी खदरावी साहिदी जाहिदी, ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी द्विगुणित किस्मों के अंदर आती है। एंड फाली ये आपको पता होना चाहिए, डिप्लोइड में मस्कावी खदरावी साहिदी और फाली वेराइटियां जो है बरसीम की द्विगुणित किस्मों के अंदर आती है, जो आपको मालूम होना चाहिए, जिनकी चारे की उत्पादन क्षमता जो होती है वह कम होती है। दूसरे प्रकार की इसकी जो किस्में है जिसे अपन टेट्राप्लोइड या चतुर्थ गुणित कहते हैं और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके अंदर जो इनका जो उत्पादन होता है चारे का, इनका जो प्रोडक्शन जो होता है वह द्विगुणित की अपेक्षा अधिक होता है, और जो आपको मालूम होना चाहिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट किस्म आती है पूसा जाइंट, जो ऑटो टेट्राप्लोइड है काफी इंपॉर्टेंट है पूसा जाइंट, जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इसके अलावा टी सीरीज की जो वैरायटियां हैं T526 T780, तो इसमें से कोई भी एक वैरायटी टी सीरीज की भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद टेट्राप्लोइड जो पूसा गाइंड और टी सीरीज की जो वेराइटियां है आपको ध्यान रखना है कि अपन कह रहे हैं कि जो डिप्लोइड होती है द्विगुणित जो होती है जिनके चारे की उत्पादन क्षमता कम होती है
लेकिन टेट्राप्लोइड या चतुर्गुणित की चारे की उत्पादन क्षमता अधिक होती है, लेकिन द्विगुणित जो है लंबे समय तक चारा देता है, जबकि चतुर्गुणित जो होता है थोड़े समय के लिए ही चारा उत्पादन दे पाता है। तो इस केस में दोनों के बीजों को आपस में मिलाकर बोया जाता है। और दूसरी एक चीज, एक टेट्राप्लोइड की किस्म का बीज जो है प्रतिवर्ष नया काम में लेने की जरूरत होती है, तो इन दोनों के बीजों को टेट्राप्लोइड चतुर्गुणित और द्विगुणित के बीजों को 2:1 में मिलाया जाता है। यह भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भाई दो भाग जो है चतुर्गुणित बीज और एक भाग जो है द्विगुणित बीजों को आपस में मिलाकर बोना चाहिए। इसके बाद भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान से विकसित किस्म है इसकी S99-1 वरदान, ये भी आपको यहां पे मालूम होना चाहिए। इसके बाद इसमें देखते हैं स्लाइड में कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट, चतुर्गुणित की सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी पूसा जायंट मानी गई है। इसके अलावा टी सीरीज की वैरायटियां, और इसमें चतुर्गुणित और द्विगुणित के बीजों का जो अनुपात मिलाकर बोना चाहिए वह 2:1 होता है, वह आपको पता होना चाहिए। और S99-1 वरदान जो है इसकी चतुर्गुणित किस्म है जो झांसी से विकसित है। देन बढ़ते हैं अपन इसमें आगे, जलवायु कैसी चाहिए, तो ठंडी जलवायु चाहिए क्योंकि इसकी बुवाई जो है रबी ऋतु के अंदर करते हैं, तो इसको ठंडी जलवायु कोल्ड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके लिए जो इष्टतम तापमान जो अंकुरण के लिए जो इसके लिए उपयुक्त तापमान माना गया है वह 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है, जबकि इसकी ग्रोथ के लिए वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान जो है 18 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है, जबकि इसका तापमान अगर जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तो इसकी रीग्रोथ जो होती है वह नहीं हो पाती है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर के केस में, आपको पूछा जा सकता है कितने टेम्परेचर पर इसकी रीग्रोथ नहीं होगी, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर बरसिम की रीग्रोथ जो होती है, पुनर्वृद्धि जो होती है वह रुक जाती है। इसके बाद मृदा की बात करें तो कैल्शियम एवं फॉस्फोरस की उच्च मात्रा युक्त दोमट मृदा जो होती है वह बरसिम के कल्टिवेशन के लिए बेस्ट मानी गई है। देन अपन इसमें बात करते हैं बुवाई के समय की, तो ये रबी ऋतु की फसल है, तो इसकी बुवाई जो है रबी ऋतु अर्थात सर्दियों के अंदर अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े के अंदर 1 से 15 अक्टूबर के बीच इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। इसके बाद इसके बीज दर की बात करें तो द्विगुणित और चतुर्गुणित के केस में बीज दर अलग अलग होती है। द्विगुणित की बीज दर 25 से 30 किलोग्राम और चतुर्गुणित की 35 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखनी चाहिए। लेकिन आपको अगर एवरेज जो सीड रेट अगर पूछी जाएगी तो उस केस में आपका आंसर 25 से 30 किलोग्राम करना है। और आपको यही याद रखना है बरसिम के केस में कि भाई बरसिम की बीज दर कितनी लेते हैं, तो 25 से 30 किलोग्राम ली जाती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद बरसिम के जो उत्पादन होती चारे की शुरुआती फर्स्ट कटिंग के अंदर बहुत कम चारा उत्पादित होता है, इसलिए बरसिम के बीजों के साथ जो है सरसों के बीजों को मिलाकर बो दिया जाता है, जिससे इसकी पहली कटाई के अंदर जो है जो चारा उत्पादन जो है वो आपका अधिक हो सके। और उस केस में जो सरसों जिसे अपन रैपसीड कहते हैं, इसके सीड्स को अपन बरसिम के साथ मिला देते हैं और इसकी मात्रा रखते हैं 1 से 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर। जो है आप जो है सरसों के बीजों को इसमें बरसिम के साथ मिलाते हो तो पहली कटाई के अंदर चारे का उत्पादन अधिक प्राप्त होगा। देन नेक्स्ट वन आता है इसके अंदर बीजोपचार। बीजोपचार काफी इंपॉर्टेंट है बरसिम के केस में, क्योंकि बरसिम में जो होता है सबसे महत्वपूर्ण जो खरपतवार जो है वो है इसका कासनी, काफी इंपॉर्टेंट है, जो चिकोरियम इंटाइबस के नाम से जाना जाता है, जो बरसिम का एक नकलची खरपतवार माना गया है, सूक्ष्म जलवायु का खरपतवार है, कुछ इस प्रकार का यह होता है। इसके प्रबंधन के लिए जो है आपको सीड ट्रीटमेंट करना है, नमक के घोल के अंदर बीजों को डुबो देते हो तो इसके कासनी के बीज हल्के होने की वजह से ऊपर की साइड आ जाएंगे, तो उनको निथार कर अपन अलग कर लेंगे और नीचे बैठे हुए बीजों को अपन जो है बरसिम के बीजों को बुवाई के लिए काम में ले लेंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बरसिम का जो सबसे इंपॉर्टेंट वीड कासनी जो चिकोरियम इंटाइबस है उसके नियंत्रण के लिए NaCl नमक के घोल से जो है सीड ट्रीटमेंट किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सेकंड वन, जो आपका बरसिम जो है लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है, लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है, तो इसके बीजों को कल्चर से राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने की भी आपको आवश्यकता होती है। तो इसके लिए कौन सी स्पीसीज राइजोबियम के काम में लेते हैं, तो वैसे बेसिकली आप जानते हो कि बरसिम का जो वानस्पतिक नाम है वह ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम है, तो इसके लिए जो कल्चर लेंगे राइजोबियम ट्राइफोलाई लेंगे, क्योंकि इसके वानस्पतिक नाम में भी ट्राइफोलियम शब्द आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और कल्चर की वही मात्रा 600 ग्राम या अपन कह सकते हैं इसके 3
पैकेट जो हर फसल के अंदर अपन बोलते हैं वही इसमें काम में लेते हैं। तो इसमें आपको बेसिकली राइजोबियम ट्राइफोलाई के बारे में पता होना चाहिए जो बरसीम के बीजों को उपचारित करने के लिए काम में लिया जाता है। उर्वरक की बात करें तो नाइट्रोजन 30 किलोग्राम और फॉस्फोरस 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है इसको आवश्यक होता है। इस स्लाइड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है राइजोबियम ट्राइफोलाई के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की, तो मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो खरपतवार है बरसीम का वह है कासनी। कौन सा है? कासनी है, जिसका वैज्ञानिक नाम चिकोरियम इंटाइबस है। चिकोरियम इंटाइबस है जो आपको मालूम होना चाहिए, जो बरसीम का मेन वीड है, जो आपका बरसीम का मिमिक्री वीड यानी नकलची खरपतवार के रूप में जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के अंदर ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कासनी जो है किसका सबसे महत्वपूर्ण खरपतवार है, तो बरसीम का एक महत्वपूर्ण खरपतवार है जो इस प्रकार का होता है। इसके नियंत्रण के लिए डायनोसेल एसिटेट खड़ी फसल में आप छिड़काव कर सकते हो या ऑक्सीफ्लोरपेन, सबसे अच्छा रहेगा ऑक्सीफ्लोरपेन का छिड़काव जो है इसके लिए अपन कर सकते हैं। लेकिन वैसे ये चारे वाली फसल है और चारे वाली फसल में खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पशुओं को खिलाने के लिए काम में लेते हैं। अगर वहां पर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो पशुओं को नुकसान हो सकता है, पशु जो है मर सकते हैं। तो आपको ये विशेषकर ध्यान रखना है कि उसके लिए वेटिंग पीरियड जो है आपको 15 दिन के आसपास जो है उस चारे को पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए अगर आपने ये दवाई वहां पे छिड़की है। तो आपको यहां पे बेसिकली स्लाइड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि बरसीम का सबसे इंपॉर्टेंट या नकलची खरपतवार कासनी चिकोरियम इंटाइबस होता है, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, इसकी कटाई कब करनी चाहिए, तो पहली जो कटाई है नॉर्मली 55 से 60 दिन पर, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद वाली जो कटाइयां है वह 20 से 25 दिन के अंतराल पर बरसीम में की जाती है। और बरसीम में टोटल नंबर ऑफ जो कटिंग्स करते हैं वह 5 से 7 कटिंग इसके अंदर करते हैं। लेकिन जो बरसीम जो है अपन बीज उत्पादन के लिए ले रहे हैं सीड प्रोडक्शन के लिए, उसकी कटाई जो है फरवरी के प्रथम सप्ताह के बाद से बंद कर देनी चाहिए क्योंकि इसमें मार्च महीने में जो है पुष्पन प्रारंभ हो जाता है अगर आप सीड प्रोडक्शन के लिए ले रहे हो, तो यह भी आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसकी उपज कितनी प्राप्त होती है, तो वर्ष भर में इसके हरे चारे वाली फसल से जो है आपको 1000 से 1200 क्विंटल, ये आपको ध्यान रखना है। बरसीम की उपज जो होती है चारे की 1000 से 1200 क्विंटल पर हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। और अगर बीज वाली फसल है तो बीज वाली फसल से 3 से 5 क्विंटल आपको बीज प्राप्त हो सकता है। और उस बीज वाली फसल से जो पहले जो आपने हरा चारा लिया है, तो हरे चारा जो इससे पहले जो आपने, मैंने कहा फरवरी से पहले आप हरा चारा ले सकते हो, तो वो आपको 200 से 500 क्विंटल पर हेक्टेयर हरा चारा भी फसल से आपको मिलता है। लेकिन जो पूरी फसल जो आपने चारे के लिए ली उससे आपको 1000 से 1200 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है चारे की या फॉरवर्ड की जो है यील्ड प्राप्त होती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। और ये चीज आपको ध्यान रखनी हरे चारे की पैदावार इसकी कितनी होती है क्योंकि मेन हरे चारे वाली यह फसल है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये हो गया बरसीम के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, वो अपन ने इस क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं। थैंक यू वेरी मच।